विभाजित राज्य। दाऊद राजा 40 वर्ष धरि शासन कयलनि। तब ओ मरि गेलाह आ हुनक पुत्र सुलेमान इसराइल के ऊपर शासन करल शुरू कयलनि। परमेश्वर सुलेमान संग बात कऽ हुनका सँ पुछलनि जे ओ सबसँ बेसी की चाहैत छथि कि परमेश्वर हुनका लेल कऽ दै। सुलेमान परमेश्वर सँ मांगलनि जे ओ हुनका बहुत बुद्धिमान बना दै। ई बात परमेश्वर के प्रसन्न कयलक। एहि लेल परमेश्वर संसार के सबसँ बुद्धिमान व्यक्ति बना देलखिन। सुलेमान बहुत बात सब सीखलनि आ ओ एकटा बहुत बुद्धिमान शासक छलाह। परमेश्वर हुनका बहुत धनवान सेहो बना देलखिन। यरूशलेम में सुलेमान ओहि मंदिर के बनौलनि जकर योजना हुनक पिता बनेने छलाह आ समान इकट्ठा कयने छलाह। आब लोक सब मिलाप के तंबू के बजाय मंदिर में परमेश्वर के आराधना करैत छलाह आ हुनका लेल बलि चढ़बैत छलाह। परमेश्वर ओहि मंदिर में आबि उपस्थित रहल करैत छलखिन आ ओतय ओ अपन लोक सब के संग वास करैत छलखिन। मुदा सुलेमान दोसर देश के स्त्री सब सँ प्रेम कयलनि। ओ बहुतेक लगभग 1000 स्त्री सँ बियाह कऽ परमेश्वर के अवज्ञा कयलनि। ओहि मे सँ बहुत स्त्री दोसर देश सँ आयल रहैक आ अपना संग अपन देवता सब सेहो ले लीह आ ओकरा उपासना कयनाय जारी रखलनि। जखन सुलेमान बूढ़ भऽ गेलाह तऽ ओहो ओहि देवता सब के उपासना कयलनि। एहि कारण परमेश्वर सुलेमान सँ क्रोधित छलखिन। ओ कहलखिन जे इसराइल देश के दू राज मे विभाजित कऽ कऽ हुनका दंडित करतनि। ओ सुलेमान के मृत्यु के बाद एना करथिन। सुलेमान मृत्यु के बाद रहबाम राजा बनलाह। इसराइल के सब लोग हुनका राजा के रूप में स्वीकार करबाक लेल एक साथ इकट्ठा भेल। ओ सब रहबाम से शिकायत कयलनि जे सुलेमान ओकरा सब संग बहुत कठिन परिश्रम कयने छलाह आ बहुत कर वसूल कयने छलाह। ओ सब रहबाम सँ अनुरोध कयलनि जे हुनका सबसँ कम काम कराओल जाय। मुदा रहबाम हुनका सबके बहुत मूर्खता संग जवाब देलनि। तू सब कहै छै जे हमर बाबू सुलेमान तोरा सबसँ कठिन परिश्रम करबौलनि, मुदा हम तोरा सबसँ ओकरोसँ बेसी कठिन परिश्रम करबौबौ आ हम तोरा सबके हुनकासँ बेसी पीड़ित करबौ। जखन लोक सब हुनका एना कहैत सुनलनि तऽ हुनका सबमे सँ बहुतेक हुनका विरुद्ध विद्रोह कयलनि। 10 गोत्र हुनका साथ छोड़ि देलनि। हुनका संग मात्र 2 गोत्र रहि गेल। ई दुनू गोत्र अपने आप के यहूदा राज कहलनि। बाकी सब गोत्र सब योरोबाम नामक एकटा मनुष्य के अपन राजा बनौलनि। ई गोत्र देशक उत्तर पूर्वी भाग में छल। ओ सब स्वयं के इसराइल के राज्य कहलनि। मुदा योरोबाम परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कयलनि आ लोक सब सँ पाप करवैलनि। ओ अपन लोक सब के उपासना करबाक लेल 2 मूर्ति सब बनौलनि। ओ आब यहूदा में रहल परमेश्वर के मंदिर में आराधना करय नहि गेल। यहूदा आ इसराइली के राजा दुनू एक आपस में शत्रु बनि गेल आ प्रायः एक दोसर संग लड़य लागल। इसराइल के नवका राज में सबहे दुष्ट राजा छलाह। ओहि में सँ कतेक तँ हुनका स्थान पर राजा बनय के चाहना हेतु अन्य इसराइली सब द्वारा मारल गेल छलाह। इसराइल राज के सब राजा सब आ अधिकतर लोक सब सेहो मूर्ति सब के उपासना कयलनि। जखन ओ सब एना कयलनि तँ ओ सब प्रायः वेश्या सब संग सुतलनि आ एतय धरि जे कई बेर अपन बाल बच्चा के मूर्ति सभक लेल बलि सेहो चढ़ौलनि। यहूदा राज के राजा दाऊदक वंश छलाह। एहि राज सब में सँ कोनो नीक व्यक्ति रहैक जे न्यायपूर्वक शासन कयलनि आ परमेश्वर के आराधना कयलनि। मुदा यहूदा के अधिकांश राजा दुष्ट छलाह। ओ सब दुष्टता सँ शासन कयलनि आ मूर्ति सभक उपासना कयलनि।
एत धरि जे एहिमे सँ किछु राजा सब तँ झूठा देवता सभक आगू अपन बच्चा सबके सेहो बलि चढ़ौलनि। यहूदा के बेसी लोक सब सेहो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कयलनि आ अन्य देवता सबके उपासना कयलनि। पहला राजा अध्याय 1-6, 11-12 बाइबलक एकटा कथा।